हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू रेडी विद रिखा। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि पारस ने लगा रखा है बर्थडे वाली टोपी और यहाँ पर बर्थडे वाला केक भी है डोरेमोन का। तो क्योंकि 30 अप्रैल को पारस का बर्थडे भी था और 30 अप्रैल को शादी भी थी हमारे घर में, तो हमने बर्थडे वाले दिन और शादी वाले दिन ही जो है केक काटा था। तो जो केक काटा है वो केक कट भी दूल्हा दुल्हन के हाथ से ही करवाया था। और चैनल पर जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर केक कट होने के बाद हम थोड़ी मस्ती कर रहे थे, यहाँ पर हम सभी के साथ बैठे हुए हैं, तो मैंने इन सब की फ़ोटो क्लिक की है। और घर आकर हम लोग वेट कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन का कि वो जो है फेरों के लिए कब घर आएंगे। जयमाला हो चुकी थी और फिर हमने वेट किया, सभी हमारे घर के हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे भी था और हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय किया। पूरा रेडी थे हम सभी, सरप्राइज़ हो गए थे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो केक कट हो रहा है। सबको लग रहा था कि इनके यहाँ तो शादी में केक कटिंग होती है, तो हमने कहा नहीं नहीं केक कट नहीं हो रहा, ये तो मेरे बेटे का बर्थडे है इसलिए केक कट हो रहा है। और बहुत इंजॉय किया। बाय बाय।